अगर इस वक्त आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है तो सावधान हो जाएं। दरअसल इसराइल ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी मदद से वो चाहें तो आपके हाथ में जो मोबाइल है इन डिवाइसेस को ब्लास्ट करवा सकते हैं। 17 और 18 सितंबर को इसराइल ने अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लेबनान को निशाना बनाया था और कई पेजर डिवाइसेस में ब्लास्ट करवा दिए थे। 17 सितंबर को लेबनान में एक एक करके पेजर में ब्लास्ट होने लगे। वहीं अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से लेकर ऐसे तमाम डिवाइसेस फटने लगे जिनमें लिथियम मौजूद था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही दिन जो धमाके हुए उसके पीछे इसराइल का हाथ था। जानकारी के मुताबिक इसराइल के निशाने पर लेबनान में ऑपरेट कर रहे हिजबुल्ला के लड़ाके थे। हालांकि इन हमलों में ऐसे कई लोग भी हताहत हो गए जिनका हिजबुल्ला से कोई भी लेना देना ही था और कोई भी कनेक्शन नहीं था। इसराइल चाहता तो पहले दिन के धमाकों के बाद रुक सकता था, लेकिन उन्होंने लिहाज नहीं किया और दूसरे दिन भी वॉकी टॉकी में और बाकी लिथियम ऑपरेटेड डिवाइसेज में जिनमें लिथियम बैटरी होती है उनमें ब्लास्ट करवा दिया। लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में हुए धमाकों से पूरी दुनिया सकते में है। इसराइल ने उस लिथियम को हथियार बना लिया है जो लगभग आज हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इस्तेमाल होता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि वो चाहे तो दूर बैठकर भी इस पे ब्लास्ट करवा सकते हैं। लेबनान में हुए दूसरी धमाकों की लहर में 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं 450 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ये सभी डिवाइसेज बेहद जरूरी हो जाते हैं। इसको लेकर चिंता भी ये है कि इन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में धमाकों से सबके मन में डर बैठना जायज है। ये डर इसलिए भी जायज है क्योंकि अभी तो सिर्फ इसराइल इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सोचिए जब ये आतंकियों के हाथ लग जाएगा और अगर वो ब्लास्ट कर पाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। उस दिन आम लोगों पर कयामत गिर सकती है। जानने वाली बात ये भी है कि इसराइल के लिए फिलहाल उसके सारे ही पड़ोसी देश उसके दुश्मन बने पड़े हुए हैं। युद्ध का दौर चल रहा है और इतिहास गवा रहा है कि नई नई तकनीकों का इजाद अक्सर युद्ध के दौरान ही होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लिथियम को ऐसे कंट्रोल्ड बॉम्ब बनाना इसराइल की एक स्ट्रेटेजी ही होगा जिसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए करना चाहता है। रूस की एक न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, इसके मुताबिक लेबनान में चाइनीज कंपनी बोफेंग के कम्युनिकेशन डिवाइसेज में धमाके हुए थे। ये चीनी कंपनी लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करती है और इसी डिवाइसेज को बनाती भी है। लेबनान में जो धमाके हुए वो इसी कंपनी के डिवाइसेज में और इसी की बैटरी में हुए थे। एक वॉकी टॉकी तो तब फट गया जब इसराइल के पेजर हमले में मारे गए एक व्यक्ति का जनाजा निकाला जा रहा था। ऐसे धमाकों के बाद लेबनान की सरकार ने तुरंत सभी नागरिकों को लिथियम बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेज से दूर रहने को कहा है और सलाह दी है कि इनको बंद रख के दूर रख दिया जाए। पहले हो रहा था कि सिर्फ बातचीत के कम्युनिकेशन डिवाइसेज पर हमले हो रहे थे और वो फट रहे थे, लेकिन इसराइल की दूसरी लहर में हमलों में रेडियो से लेकर रेफ्रिजरेटर और सोलर पैनल भी फटने लगे हैं। यही नहीं, स्कूटर्स और फिंगरप्रिंट स्कैनर में भी ब्लास्ट होने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों यानी ह्यूमन राइट्स का सीधा सीधा उल्लंघन है और होने को इसके व्यापक असर भी हो सकते हैं। अमेरिकी संसद में इस हमले को लेकर एक बात भी उठ चुकी है और जांच की मांग भी हो रही है। क्या इस तकनीक के विकास में अमेरिकी सहायता का इस्तेमाल किया गया था? ऐसी मांगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अब हमारे साथ भी हो सकता है? इसका जवाब ये है कि सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आतंकियों के हाथ भी लग सकती है। सबसे खतरनाक सिचुएशन यही होगी कि ये तकनीक जो है ये आतंकियों के हाथों लग जाती है। जानने वाली बात यह भी है कि सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में आतंकी संगठन सबसे आगे रहते हैं। एक जमाने में ड्रोन सिर्फ सरकारों के पास होते थे, बाद में ये आतंकियों के हाथ में भी चले गए। दुनिया के तमाम आतंकी संगठन लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसराइल की इस टेक्नोलॉजी का रहस्य क्या है ये सभी देश जानना चाहते होंगे और आतंकियों की भी इस पर नजर जरूर होगी। लेबनान में जो कुछ भी हुआ है वो एक बड़ा सबक है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे देश में भी विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से यहाँ पर भी ऐसे ब्लास्ट हो सकते हैं। विदेशी तकनीक को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस तकनीक को काफी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है और चाहे लेबनान में हुआ वो चाहे तो इसका इस्तेमाल बम ब्लास्ट के लिए भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो रही है और खतरनाक भी। इसका एक एग्जाम्पल एलन मस्क का न्यूरालिंक है। इसके अंडर हो रही रिसर्च के मुताबिक एलन मस्क लोगों के दिमाग में चिप लगाने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर काफी रिसर्च हो भी चुकी है। दिमाग में एक मैकेनिकल चिप, इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ और इससे क्या इशारा कर रहा हूँ ये शायद आप समझ चुके होंगे। इन धमाकों के बाद लोगों में इस हद तक डर बैठ गया है कि अगर किसी दिन ये तकनीक आम हो गई तो लोगों के दिमाग में भी चिप लगी होगी और उस चिप में भी ब्लास्ट किया जा सकेगा। चलिए, न्यूरालिंक और उसकी चिप तो आने वाले दिनों की बात है, लेकिन इंडियन मार्केट में फिलहाल विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भरमार है। पूरा मार्केट ही इससे भरा पड़ा है। क्या ऐसी स्थिति में लोगों को डरने की जरूरत है? आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में चाइना, अमेरिका, वियतनाम के पार्ट्स होते हैं, क्या उनमें भी ब्लास्ट हो सकता है? ऐसे धमाकों के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी गढ़ी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मई के महीने में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई थी, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ था, क्या इसके पीछे भी इसराइल का हाथ हो सकता है?
कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि अमेरिका में हुए ट्विन टावर जैसे 9/11 हमला भी अब अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो प्लेन को मैनिपुलेट करके क्रैश करवा सकते हैं। जानने वाली बात यह भी है कि फिलहाल इसराइल और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। युद्ध के समय में भी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पीएम मोदी की दोस्ती की चर्चा हो रही है, और ये दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में होने को तो इसराइल भारत को ये लिथियम बॉम्ब टेक्निक दे भी सकता है। भारत इसका कैसे इस्तेमाल करता है ये भारत के ऊपर है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।